जी तो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, क्या हाल है आपका। वेलकम, खुश आमदी जी आयन मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त पशु पंगर, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं शो बकवास ना कर। शो का नाम सुन के आपको पता तो चल ही गया होगा कि इस शो में क्या होने वाला है, और अगर अभी तक नहीं पता चला तो मैं आपको बताता चलूँ, इस शो में सिर्फ और सिर्फ बकवास बकवास और बकवास होने वाली है। और इस बकवास में मेरा साथ देने के लिए हम लोगों ने बुलाए हैं दो शायर, जिनमें से एक का तलक है उर्दू जुबान से और दूसरे का तलक है पंजाबी जुबान से। इन शायरों से आपको मिलाने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक शेयर और कमेंट्स। तो चलिए जी, सबसे पहले मिलते हैं हम अपने उर्दू के शायर के साथ। जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम मियां, बड़ा एहसान है अल्लाह का। अच्छा, इनके बारे में मैं एक आपको बात बताता चलूं कि इनका नाम है सस्ता गालिब, नाम इनका है सस्ता गालिब, लेकिन ये फॉलो करते हैं जून एलिया साहब को, और उन्हीं के अंदाज में, यानी कि पूरी होती नहीं है इनसे, बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं उनके अंदाज में शेर बोलने की है। और दूसरी तरफ है हमारे पंजाबी जुबान के शायर उदास साईं साहब। जी तो अस्सलाम वालेकुम उदास साईं साहब, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम जी, बड़ा एहसान है अल्लाह ताला की जात का। जी तो जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों को इधर किस लिए बुलाया गया है, आज का हमारा शो है बकवास नगर, ठीक है, आप दोनों जानते हैं। तो आप लोगों ने इधर अपने अपने अंदाज में बकवास करनी है, मतलब के शायरी बोलनी है। एक तरफ से यूं समझ लें कि पंजाबी को उर्दू और पंजाबी जुबान में दोनों में टक्कर होने वाली है, यानी कि दोनों में एक मुकाबला होने वाला है। आप उर्दू जुबान में सस्ता गालिब साहब शेर बोलेंगे और आप पंजाबी जुबान में उदास साईं साहब, तो आप दोनों के दरमियान मुकाबला होगा और जो जीतेगा उसे बाद में सजा दी जाएगी, जिसने अच्छे तरीके से बकवास की उसको, मतलब शेर बोले, उसको इनाम मिलेगा। और इस बात का फैसला हमारी ये ऑडियंस करेगी। ऑडियंस हमें, आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है, नीचे वीडियो में, कि किसने अच्छे तरीके से बकवास की, कौन जीता, उस हिसाब से हम इनको इनाम देंगे, ठीक है। तो चलिए सस्ता गालिब साहब, आपसे शुरुआत करते हैं, शुरू करिए। आए हो तुम मियां, आए हो तुम हमारे घर में मेहमान बन के, मियां आए हो तुम हमारे घर में मेहमान बन के, आए हो तुम हमारे घर में मेहमान बन के, जाओगे तुम हमारी जान बन के। वाह ओसम यार, क्या शेर बोला है सस्ता गालिब साहब, छा गए हो यार आप तो। जी तो उदास साई साहब, शुरुआत कर दी है सस्ता गालिब साहब ने, बहुत ही अच्छा अंदाज में शेर बोला है उन्होंने, मतलब बड़ा टक्कर का मुकाबला होने वाला है आपका इनसे। तो चलिए शुरू करें, आप भी करें बकवास। और वाह जी की वाह वाह, तो की टक्कर है दी मेरे नाल, एवं इनू फालत पे चुमी आते देंदे शेर, ते मैं थोनू सुनावांगा ना, ऐ सुनो शेर मैं थोनू सुनाना वा। ओ तंग करना है सानू सजना, ओ तंग करना है सानू सजना, साडी ते इक तू ही ये मंग सजना, तंग करना है सानू सजना, साडी ते इक तू ही ये मंग सजना, आजा सजना आजा आजा सजना, जे तू वसना, आजा आजा सजना, जे तू सजना, बिन सजना फिर तू नहीं सजना, बिन सजना फिर तू नहीं सजना। नॉट बैड, नॉट बैड, बस नॉट बैड। ओदी वाड़ी वाह वाह पपियां शपियां, ते मेरी वाड़ी बस नॉट बैड। भाई नाराज क्यों हो रहे हो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो और भी आप दोनों ने बकवास करनी है, अभी बोलेंगे सस्ता गालिब साहब शेर, आप भी उदास साहब, आपको सबको दोनों को अभी दो दो तीन तीन शेर आपने अभी और बोलने हैं, फिर फैसला होगा। जी तो गालिब साहब, शेर नंबर टू। आप इधर बैठे हो कंबल ओढ़े, आप इधर बैठे हो कंबल ओढ़े। मैंने तो कोई कंबल नहीं ओढ़ा। शेर है मियां शेर। ओ सर, आप इधर बैठे हो कंबल ओढ़े, कंबल ओढ़े, आप इधर बैठे हो कंबल ओढ़े, आप इधर बैठे हो
कंबल ओढ़े। आप उधर बैठ के भी कंबल ओढ़ सकते हैं। ये क्या था? शेर था मियाँ, शेर। ऑडियंस बाद में, मेरी तरफ से लानत। ओ लानत जी, ये भी कोई शेर है? आ सुनो शेर, है तू साथू दूर भावें, है तू साथू दूर भावें, रवे तू साडे दिल विच किते ना जावें, रवे तू सा तू नहीं है, रवे तू साडे दिल विच किते ना जावें, तेरा नां लै के मेरे मारन, तेरा नां लै के मेरे मारन आंढ गुआंढ दे मित्र सारे, तेरा नां लै के मेरे मारन आंढ गुआंढ दे मित्र सारे, असां नी तेनू दिल विचू कढ़ना, असां नी तेनू दिल विचू कढ़ना भावें मारन छित्तर सारे। ये बढ़िया था गुरु। अच्छा था, पहले बार से कुछ अच्छा था, बेहतर था कुछ। अरे मियाँ, इसने क्या शेर सुनाना है तुम्हें? शेर तो मैं सुनाऊंगा अभी ऑडियंस को और आपको। ये मियाँ, अलमदिया से तुम आए हो, अलमदिया से तुम आए हो, जीम से तुम जाओगे, अलमदिया से तुम आए हो, जीम से तुम जाओगे, इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है तुमसे, अरे मियाँ कब नहाओगे? ओए आ शेर सुनाया ही सही, मैं भी आखा वो पता नहीं कितनों आंदी है भाई। नहाया करो हाँ, तुम्हें ध्यान ना पशु पंगड़ साहब ना देखे उन्हें। चुप है, ये क्या कर रहे हो? एक भी शेर तुम लोगों ने काम का कोई सुनाया? तब से बकवास किए जा रहे हो। आप ही ने तो बोला था बकवास करनी है। सॉरी मुझे पता, लेकिन चलो अभी एक ये लास्ट लास्ट है, देखो मेरी बात सुनो, ये लास्ट लास्ट है, एक एक सही वाला शेर सुनाओ लास्ट जाते वक्त। अच्छा ये वाला सही वाला सुनिए, ये मैं आपको सही वाला सुना दे रहा हूँ, सीरियस है ये वाला शेर। बड़े जहान में मेरा कोई यार था ही नहीं, बड़े जहान में मेरा कोई यार था ही नहीं, किसी नजर को मेरा इंतजार था ही नहीं। यार तेरा शेर कदूं है? ये तेरा शेर कदूं? क्या हुआ? ओ पशु पंगड़ साहब, ऐसा शेर है ही नहीं, ऐसे मेहंदी हसन साहब की गजल जे है वाली। बड़े जान में है कोई मेरा यार था ही नहीं, किसी नजर को मेरा इंतज़ार। उसने अगर बकवास किया, कॉपी किया, तो तूने तो भिड़े ही कर दिया। अरे मियाँ, इसने क्या शेर सुनाना है आपको? चुप कर बे कुत्ते। मियाँ आप अपना अपने काम से काम रखें, आप अपना मुंह तो देखें, जैसे चूसी अंबी होती है। अथवा अपना मुंह वे है जिमें गरीब की तनहा मरी होंगी है, कुत्ती दिया दो लत्त होंगे ने, जतीमा का लंगर खो के खाना लिया मन मजे में। इनकी तो भाई बकवास ऐसे ही चलती रहनी है, इन्होंने अपने जर्फ के मुताबिक आपके सामने भी बकवास की। अभी आप लोग फटाफट से बकवास मतलब कमेंट में अपनी राय पेश करिए कि इन दोनों में से किसने अच्छी तरह बकवास की। जल्दी जल्दी बताइए कि मैंने सबसे अच्छी बकवास की। सही पकड़े हैं। चलिए आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, अगले शो में। तब तक अपना बड़ा बड़ा रखिएगा ख्याल। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।